अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ बाजवा और आप देख रहे हैं ईगल आई वाइब्स। आज की वीडियो में हम टर्किश स्कॉलरशिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी डेट आज ही अनाउंस हुई है, फ्रॉम 10 जनवरी टू 20 फरवरी। इसमें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी हैं, मास्टर्स प्रोग्राम भी हैं, डॉक्टरेट प्रोग्राम भी हैं, डॉक्टरल पीएचडी और रिसर्च प्रोग्राम भी हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी वर्सेटाइल स्कॉलरशिप्स ऑफर हुई हैं। तो ये जो लिंक है टर्किश स्कॉलरशिप का, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके क्लिक करके इस पर सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो आपको 2021 के बारे में फुल डिटेल मिल जाएगी कि क्या क्या स्कॉलरशिप्स ऑफर हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे सारा डिटेल होगा। ठीक है, आपने क्या कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, डेडलाइन क्या है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको तरीका समझाऊंगा आपने अप्लाई कैसे करना है। आप जाएंगे अप्लाई लॉगिन पे। ठीक है, ये ऊपर येलो कलर का बना होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये लॉगिन का भी जो है लिंक, ये भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपके पास लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन आएगा। ठीक है, सो आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो रजिस्टर करेंगे, जिनके पास है वो लॉगिन करेंगे। सो आई एम फर्स्ट टाइम। ठीक है, मैं या तो मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, तो यहाँ पे आप अपना नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद मिडिल नेम आपने नहीं लिखना, आपने अपना लास्ट नेम लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पे जेंडर अपना आप बताएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे ये आईडी यूज कर रहा हूँ क्योंकि मेरा बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को समझाने के लिए, तो यहाँ पे आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्म आपने सारा फिल करना है। ठीक है, तो अपनी जो सारी डिटेल्स हैं वो आपने फिलअप करके देन यहाँ पे आपने क्लिक करना है आई एम नॉट अ रोबोट, और फिर आपने सेव पे क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव करने के बाद दोबारा आपसे वो कंफर्म करेगा, आपने दोबारा यहाँ पे आई अप्रूव पे क्लिक करके दोबारा आपने क्या कर लेना है, सेव पे क्लिक कर देना है। देन वो आपको बता देगा कि भाई आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, आप जाके अपनी ईमेल चेक कर लें। ठीक है, वहाँ पे आपको एक्टिवेशन ईमेल आया होगा। ठीक है, तो आप जाके अभी वहाँ पे चेक करेंगे अपनी अपनी ईमेल में। तो कुछ ऐसे आपको टर्किश लैंग्वेज में ईमेल आई होगी। ठीक है, तो उस ईमेल में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके नीचे उन्होंने लिखा होगा इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन। ठीक है, तो इस पर क्लिक करने से आपकी आईडी क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब आप सक्सेसफुली क्या हो गए, रजिस्टर्ड हो गए। ठीक है, तो आप इस लॉगिन सारा कुछ क्लोज करके दोबारा आप अप्लाई लॉगिन का पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे आप अपनी आईडी पासवर्ड एंटर करेंगे, लॉगिन करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। सही है, अब ये आपसे बारी बारी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे कि इसे आप एडिट क्लिक करेंगे तो आपके पास ये सारा कुछ वर्किंग में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आईडी नंबर, फिर आईडी कार्ड को आपने अटैच करना है, यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, आई हैव सिटीजन, अगर अनदर है तो आप अनदर करेंगे। ठीक है, रिलीजन, आप अपना रिलीजन बताएंगे, यहाँ पे एशियन है जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। ठीक है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको रहने देंगे। ठीक है, इसी तरह आप फैमिली इंफॉर्मेशन में आएंगे, फैमिली इंफॉर्मेशन में आप अपनी सारी चीज़ें करके फिर इसको सेव करेंगे। इसी तरह आप कॉन्टैक्ट इन्फो में आएंगे। ठीक है, अपने कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि कहाँ से हैं, एड्रेस क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, ये आपको इतना कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। सोशल मीडिया में आपने अपना प्रोफाइल का लिंक देना है, ट्विटर का देना है, जो भी आप देना चाहें। फिर आ जाएंगे आप एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में, यहाँ पे आपने बारी बारी डिग्रीज ऐड करनी है, पहले मिडिल स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर बैचलर डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, फिर पीएचडी। मिडिल स्कूल यानी जो आपका प्राइमरी तक होता है, हाई स्कूल जो हमारा मैट्रिक होता है, तो आप मैट्रिक करेंगे। देन एसोसिएट डिग्री यानी जो आपकी एफएससी, डिप्लोमा कुछ भी। ठीक है, आईसीएस, आईकॉम, फिर आपकी बैचलर डिग्री जो कि आपकी 16 ईयर्स है या 14 ईयर्स है वो, फिर पोस्ट ग्रेजुएट, एमएस, एमफिल, एमएससी। ठीक है,
तो वो आप यहाँ पे बारी बारी एंटर करेंगे। हाई स्कूल पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, हाँ भैया आपने कंट्री कहाँ से की, उस कंट्री को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिटी, सेम सिटी आप, अब कंट्री है फर्स्ट करें, एग्जाम्पल मैं आपको बना के देता हूँ पाकिस्तान। ठीक है, सिटी आप सिलेक्ट कर लें रावलपिंडी। ठीक है, उसके बाद स्कूल, अगर यहाँ पे वो स्कूल आ जाता है, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं फजाइया इंटरमीडिएट कॉलेज, हाँ ये आ जाएगा इंशाल्लाह, आप लोगों का भी आ जाएगा। ठीक है, चकलाला से किया। ठीक है, एजुकेशन स्टेट क्या थी, ये हमारी सेकेंडरी, ठीक है, हाई स्कूल। उसके बाद जनरल हाई स्कूल था। ठीक है, मेजर फील्ड क्या थी जी, हमारी साइंस थी। ठीक है, नॉर्मली साइंस होती है। यस, पास, स्टेटस हमारा पास है। स्टार्ट कब किया था वो आप बताएंगे। फिर ग्रेड आपका टाइप क्या आया। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपका ग्रेडिंग टाइप क्या था। ठीक है, जिस तरह यहाँ 4, 10 ग्रेड पॉइंट स्केल, A to 5, 5 सिस्टम, A to 6, F पॉइंट सिस्टम, जिस तरह होता है ना, A to F फेल, ए ग्रेड आया, बी ग्रेड आया, सी ग्रेड आया। ठीक है, तो हमारा A to F आप करेंगे। ठीक है, आपका ग्रेड क्या आया, ए ग्रेड आया। ठीक है, अगर आपका ग्रेडिंग सिस्टम कुछ और है, ठीक है, जिस तरह के यहाँ पे 100 अगर करें, ठीक है, तो इसमें आप ग्रेड अपना सिलेक्ट करें कौन सा है, क्योंकि अब 100 का और निज़ाम होगा। ठीक है, हमारा यही पॉइंट्स होते हैं A to F फेल पास वाला। ठीक है, तो ग्रेड आप इसमें बता देंगे क्या था, बी था, ए था, डिप्लोमा के यहाँ पे उसकी डिग्री लगा देंगे, यहाँ पे उसकी ट्रांसक्रिप्ट लगा देंगे। ठीक है, इसको फिर सेव कर लेंगे। सेम आप आ जाएंगे हाई स्कूल की तरफ, फिर ये टिक लगते जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरह आप ये सारे कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको एक और आईडी दिखाता हूँ जहाँ से मैंने ये सारा कुछ किया हुआ है। ठीक है, ये आप अपना सारा इस तरह ऐड करते जाएंगे, आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम पेश आएगी। ठीक है, आप अपनी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अपनी आईडी दिखाता हूँ कि जो मैं काफी अरसे से यूज कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ, उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ठीक है, अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे अपना सारी डिटेल्स बताई हुई है। ठीक है, हॉबीज क्या है, ठीक है, उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट, एजुकेशनल में चले जाते हैं। ठीक है, अब एजुकेशन में देखिए मैंने सारे ऐड किए हुए हैं, हाई स्कूल, हाई स्कूल पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये मैंने सारा ऐड किया हुआ है। ठीक है, अच्छा आप लोग करेंगे ग्रेड टाइप 100, 100 में इसको करेंगे। ठीक है, यानी परसेंटेज में करेंगे, सही है, फिर ये ट्रांसक्रिप्ट और इसको अपलोड कर देंगे। इसी तरह आप 100 में करना है। ठीक है, इसी तरह आप आ जाएंगे एसोसिएट डिग्री में। ठीक है, उसमें भी आपने 100 ही करना है। ठीक है, ये मेरा पहले से सेव हुआ हुआ है तो दैट्स वाई मैं इसको बार बार चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये मेरी सारी डिग्री सेव हुई हुई है। ठीक है, एसोसिएट, अगर मैं इसको डिटेल देखूं तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, आपने 100 करना है, ABC नहीं करना, वो क्योंकि हमारा 0 to 100 आएगा, वो फिर चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपने जो मैंने तो MPhil किया हुआ है, सो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट तक अपनी चीज़ें अपलोड की हुई हैं। ठीक है, सो आप उसी तरह अपनी सारी एजुकेशन डिटेल्स इसमें कर देंगे एंटर। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये लैंग्वेज डिटेल्स, वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई GRE, SAT कुछ इस तरह का टेस्ट दिया तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। कुछ सोशल एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व रहे हैं वो कर सकते हैं, कोई टर्किश का एक्सपीरियंस है वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने ये सारी जो डिटेल्स हैं ये आपने फुल करनी है, तब आपका ये प्रोफाइल कंप्लीट होगा। ठीक है, अब आपने प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आपने अपने होम पेज पे आ जाना है, ये होम पेज है। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑफर हुआ होगा क्या क्या अवेलेबल है, बैचलर में ये चीजें आ रही हैं। ठीक है, मुझे तो अनसुटेबल है ना, क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ अंडर ग्रेजुएट, मास्टर्स भी मैं कर चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों का आपकी डिग्री के लिहाज से आएगा। ठीक है, जिन्होंने FSC की है उनको ये भी आएगा, फिर जिन्होंने बैचलर किया उन्हें ये आएगा, जिन्होंने मास्टर किया उन्हें ये आएगा, जिन्होंने PhD की हुई है उन्हें ये आएगा। ठीक है, अब मैंने PhD के लिए अप्लाई करना है, सो मैं यहाँ पे इस पे अप्लाई क्लिक कर दूँ,
कहेगा स्टार्ट एप्लीकेशन, सो आई विल स्टार्ट माई एप्लीकेशन। अब यहाँ पे मैंने अपनी चीजें करते जाने, ये आप पढ़ लेंगे ठीक है, इसको आपने एक्सेप्ट करना है, सेव करेंगे। अब आपके पास नेक्स्ट आ जाएगा कि आप कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें प्रेफर करना चाहते हैं टर्की में। सो आपको पहले यूनिवर्सिटीज़ को ढूंढ के रखना पड़ेगा कि टर्किश जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें आप किस किस को रखना चाहते हैं, किस यूनिवर्सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं, योर फर्स्ट प्रेफरेंस ठीक है। यहाँ पे आप उसको जब ऐड करेंगे ये ऐड आ जाएगा ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास सारी हैं ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग PhD ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करता हूँ, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस पे आप क्लिक करके देख भी लेंगे क्या क्या रिक्वायर्ड है। अच्छा यहाँ पे GRE रिक्वायर्ड है, सो मेरे पास GRE नहीं है, सो मैं ऐसी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करता हूँ जहाँ पे GRE रिक्वायर्ड ना हो ठीक है, ये आपने चेक कर लेना। अच्छा जी यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, इसको मैं कर लेता हूँ सेव ठीक है। ये मेरे पास पहली प्रेफरेंस सेव हो गई ठीक है। उसके बाद अभी वो हम दूसरी भी कर सकते हैं ठीक है, जितनी आप करना चाहें ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग दो हैं इसमें ठीक है, इसमें देख लेंगे, इसमें देख लेंगे, दोनों में GRE नहीं है, कोई भी आप कर लो सेव ठीक है। जहाँ तक कि आपको अलाउ करता है प्रेफरेंस आप करते जाएं ठीक है, जब वो कह देगा ना कि भाई आप बस आप नहीं हम और वो कर सकते तो देन यू विल स्टॉप ठीक है। कंप्यूटर साइंस में आप चेक कर लें, इस तरह चेक कर लें, यस इसको GRE रिक्वायर है, सो GRE रिक्वायर है तो इसका मतलब है आपको फिर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं अगर GRE नहीं ठीक है। ठीक हो गया, अब ये थ्री प्रेफरेंस हमने कर ली, अब देखते हैं और कर रहे हैं तो और भी चेक कर लेते हैं ठीक है। इसको हम चेक कर चुके हैं, इसको भी हम कर चुके हैं, इसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा है, इसमें देख लेते हैं, इसको भी, इसमें भी GRE है, इसमें GRE है, इसको आप सेव कर लेंगे। तो भाई जितना हो सकता है आप ऐड करते रहें ठीक है। तो ये अच्छा है कि आप जितनी ज़्यादा आपकी प्रेफरेंस हो ठीक है, जहाँ पे GRE TOEFL ये कुछ भी नहीं है तो आप वहाँ पे आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है अगर आपने नहीं किया हो। अगर आपने GRE किया है तो आपको जाहिर बात है एज मिलेगा ठीक है। तो ये काफ़ी सारी हैं जो आप समझते हैं आपकी प्रोफाइल को सूट कर रहा है, आप वो प्रेफरेंस में डालते जाएं ठीक है। जितनी ज़्यादा आप डालेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। फिर आपने यहाँ पे एग्री करके ठीक है तो इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपकी प्रेफरेंस लिस्ट अपडेट होगी। अब वो आपसे पूछेगा रिगार्डिंग रेफरेंस, प्रेफरेंस होगी आपकी ठीक है, इसको आपने सेव कर लिया ठीक है। अब उसके बाद ये हमारे पास प्रेफरेंसेस सेव होगी ठीक है। अब लेटर ऑफ इंटेंट पे आप क्लिक करेंगे कि इसे हम कहते हैं मोटिवेशनल लेटर ठीक है। लेटर ऑफ इंटेंट आप यहाँ पे लिखेंगे, टाइप करेंगे ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या है और आपका जो थीसिस प्रॉब्लम है वो क्या है, रिसर्च मेथड क्या है, ये स्टडी प्लान है यानी आपका जो PhD रिसर्च प्रपोजल है वो इसमें आएगा ठीक है, वो आप लिखेंगे। उसके बाद इंटरव्यू लोकेशन पे क्लिक करेंगे, वो आपने अपने हिसाब से सेलेक्ट करनी है आप कहाँ पे करना चाहते हैं ठीक है। अब यहाँ पे हम पाकिस्तान अपनी कंट्री और मैं इस्लामाबाद कर रहा हूँ, सो इसको मैं सेव कर लूँगा इंटरव्यू लोकेशन के लिए ठीक है। फिर रेफरेंस इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपने रेफरेंस लेटर ऐड करना है ठीक है, और वो रेफरेंस लेटर किसके जिसने आपको दिया हो सिर्फ आप उसको कर सकते हैं ठीक है। आपने प्रोफेसर ने दिया होगा यहाँ पे उनका नाम, सर नेम, उनका फ़ोन, ईमेल, कंपनी जहाँ पे वो काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी है या जो भी है ठीक है। तो लेटर ऑफ इंटेंट में आप अब आप अपना अपना फिल करेंगे, मैं अपना फिल करूँगा ठीक है। देन आपने ये सब कुछ फिल करके लास्ट पे आपकी समरी एप्लीकेशन आ जाएगी, आप नीचे ही अपनी सारी एप्लीकेशन को एक दफ़ा फिर रिव्यू कर सकते हैं ठीक है।
वो करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। सबमिट करने के बाद ये आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा एवेल्यूएशन, अवेटिंग एवेल्यूएशन। जैसे कि आप देख रहे हैं पुरानी हिस्ट्री है जिसमें मैंने हर दफ़ा अप्लाई किया लेकिन नहीं ऑफर हुई, ठीक है। तो ये आपको जैसे ही आपकी जो डेडलाइन है वो ख़त्म होगी उसके कुछ दिनों बाद ये आपको बता देगा कि आपका क्या स्टेटस है, ठीक है। तो इस तरह आपने टर्किश स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो अभी अप्लाई किया है उसका अभी तक अवेटिंग है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में वो बता देंगे सिलेक्टेड और नॉट, ठीक है। टफ कंपटीशन होता है बट आपने अपनी प्रोफाइल सही से सेट करनी है, ठीक है। अपनी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक सारी आपने सही से एंटर करनी है। तो आप सबके लिए मैं दुआगो हूँ, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, जो उनके लिए अच्छा है वो उनके हक में करे, आमीन। और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।